हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं? अच्छे होंगे। बहुत ही सुंदर कथा है, कथा का आनंद लीजिएगा। ब्रज में एक अद्भुत बिहारी जी के सेवक हुए, उनका नाम था श्री बिहारिन देव जी। बिहारी दास जी को प्रथम दर्शन युगल सरकार का कैसे हुआ, इसकी बड़ी अद्भुत कथा हमारे हरिदासी परंपरा के वैष्णव जन सुनाते हैं। बिहरत लाल बिहारिन दो यमुना जी के तीरे तीरे। इतना सुंदर वर्णन है, बहुत ध्यान से सुनो। हमारी सामान्य कथाओं में आने वाले लोग अगर इस कथा में आएंगे तो हो सकता है उनको एक आध बात समझ में ही नहीं आवे, महाराज जी कैसी कहाँ की चर्चा कर रहे हैं। भैया ये निकुंज नहीं है, ये कुंज नहीं है, ये निवृत्त निकुंज है, यहाँ तो अलग ही चर्चा है। श्री बिहारिन देव जी बिहारी जी की सेवा करते थे। पहले बिहारी जी गृहस्थों से सेवा नहीं करवा रहे, अभी तो सदगृहस्थ गुसाई परिवार सेवा करते हैं, पहले तो बिहारी जी सन्यासियों से और विरक्तों से ही सेवा करा रहे थे। तो बिहारिन देव जी, बिहारिन दास जी, बिहारी जी की सेवा करते थे और सेवा करते हुए उनके मन में एक ही भाव रहता था कि हे बिहारी जी, कब मिली हैं वह सखी सहेली हरिवंशी हरिदासी, हरि हम कब होंगे ब्रजवासी। ये बिहारिन देव जी का भाव इसलिए कि हमको अप्रकट वृंदावन कब मिलेगा, जहां स्वयं श्री हरिदास जी विराज रहे हैं, जहां स्वयं आचार्य चरण विराजते हैं, उस वृंदावन का दर्शन कब होगा, जहां आप युगल स्वरूप धारण करके विचरण करते हो, जहां यमुना में जल नहीं केसर युक्त सुगंधित जल बहता है, जहां पर यमुना के तट पर रेणुका की बालू नहीं मणियों की बालू है, जहां पर वृंदावन में वृक्षों पर कोयल चहकती नहीं है, चिड़ियाएं चहकती नहीं है, श्री राधा श्री कृष्ण नाम ध्वनि प्रकट करती हैं, जहां पर जिस अप्रकट वृंदावन में रहने वाले मानवों का भोजन पानी केवल आपके दर्शन मात्र हैं, उस वृंदावन का मुझे कब आस्वादन होगा। अप्रकट वृंदावन का थोड़ा भाव समझो, अप्रकट वृंदावन में यमुना जी नहीं बहती, अप्रकट वृंदावन में सुगंधित श्री ठाकुर जी और किशोरी जी के चरणों का चरणामृत बहता है, सुगंधी आती रहती है। अप्रकट वृंदावन में श्री यमुना जी के तट की बालुका मणियों की है। अप्रकट वृंदावन में जो दर्शनार्थी भ्रमण करते हैं वो कहीं भोजन पानी करने के लिए बैठते नहीं है, उनका भोजन पानी आस्वादन सब कुछ श्री प्रियालाल जी के दर्शन है। ऊंची ऊंची अटारियों पर वैष्णव जन खड़े होकर के केवल निहारते रहते हैं, कहां श्यामा श्याम की लीला चल रही है, तुरंत दौड़ करके वहां पहुंच जाते हैं और पहुंच करके ऐसे बैठते हैं कि उनको विक्षेप ना हो, केवल उनका दर्शन करना ही उनका सर्वस्व है। श्री बिहारिन देव जी बिहारी जी की सेवा करते हुए बोले, हे नाथ मुझे भी उस अप्रकट वृंदावन में ले चलो। नित्य ये प्रार्थना करते थे बिहारी जी से। एक दिन बिहारी जी ने सुन ली और श्री बिहारिन दास जी यमुना के तट पर सुबह सुबह भोर में दांतुन कर रहे थे और दांतुन करते 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 सुगंधी आने लगी, रेणुका मणियों में बदल गई, यमुना जी का जल हल्का हल्का पीत वर्ण का हो गया, अद्भुत सुगंधि यमुना जल में से आने लगी, वृक्षों पर बैठे हुए पशु पक्षी सब राधा कृष्ण नाम उच्चारित करने लगे, रसिक जन दौड़ दौड़ करके ठाकुर जी के दर्शन की अभिलाषा से घूमने लगे। इतने में ही सघन कुंज दिखाई दिया और सघन कुंज में दोनों युगल सरकार एक दूसरे के गले में गलवैया डाले चलते हुए आ रहे हैं। ये बिहारिन दास जी को दर्शन हुआ और उन्होंने इस पद में उसका वर्णन किया। बिहरत शब्द समझिएगा, हम ज्यादा व्याख्या नहीं करेंगे बस, लेकिन आप प्रयास करना कि समझो कैसा रूप है। बिहरत लाल बिहारिन दो यमुना जी के तीरे तीरे, बिहरत लाल बिहारिन दो यमुना जी के।
यमुना जी के तीर तीर विहरत लाल बिहार ने दो यमुना जी के तीर तीर अद्भुत अखंड मन उपजत किरण कपोल विमल हसी उपजत किरण कपोल विमल हसी लस दस नावली हीरे हीरे लस दस नावली चार करो बंधु चिंतन करो श्यामा श्याम एक दूसरे के गले में गलवैया डाल करके चलते हुए आ रहे हैं मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं सूर्य की किरण पड़ने पर दोनों के मुखमंडल पर छोटे छोटे प्रश्वेत के बिंदु हैं मुस्कुरा रहे हैं तो गालों पर कपोल भी ऐसे चमक रहे हैं मानो दो दो चंद्रमा प्रकट हो गए हों जब मुस्कान प्रकट हो गए तो ऐसे लगे कि मानो दांत नहीं है हीरे जैसे दांत हैं दोनों युगल बिहारी के बेहरत लाल बिहारी ने दो यमुना जी के परस्पर सीरे सीरे चलत परस्पर सीरे सीरे लोचन चारु चकोर चिते सरकार मधुर चाल चलते भय आ रहे हैं तभी जोर की हवा ब्यार बहे
तो श्री किशोरी जी की अलकावलियां मुखमंडल पर आ जाती हैं, तो ऐसा लगता है मानो पूर्णिमा के चंद्रमा के आगे बादल आ गए हों, वह भी उसकी शोभा बढ़ा रहे हैं। लोचन चारु चकोर चिते हित पिवत अधीर न धीरे धीरे। किशोरी जी श्याम सुंदर को देख रही हैं, श्याम सुंदर किशोरी जी को देख रहे हैं, परंतु नेत्रों का भी एक समय होता है, नेत्रों की भी एक अवधि होती है, उससे ज्यादा देख नहीं सकते। जैसे जीव को पानी मिलने पर प्यास बुझ जाती है, ऐसी नेत्रों को भी दर्शन मिलने पर दृष्टि शांत हो जाती है, परंतु यहाँ पर ऐसी स्थिति है कि जितना पानी पी रहे हैं उतनी प्यास और बढ़ रही है। ठाकुर जी जितना श्याम सुंदर जितना किशोरी जी को देख रहे हैं उतनी ज्यादा इच्छा और प्रकट हो रही है कि और देखूं। और ऐसे ही हमारे श्याम सुंदर जब किशोरी जी को देख रहे हैं तो उनकी भी उनके नेत्र और प्यासे होते जा रहे हैं किशोरी जी को देख करके। ये दृश्य श्री बिहारीन देव जी को दिख रहा है। बिहरत लाल बिहारीन दो यमुना जी के बिहारी दो यमुना जी।
छत नाही उरज अरुण पट पीरे पीरे। श्री बिहारी दास जी की स्थिति कैसी है? नेत्रों से नेत्र मिल रहे हैं, श्री जी और श्याम सुंदर के नेत्र एक दूसरे की प्यास बुझा रहे हैं। कानों के कुंडल यहां श्री जी के, वहां श्याम सुंदर, वे भी मिल रहे हैं। दोनों के हस्तकमल एक दूसरे से मिल रहे हैं। अरे औरों की बात छोड़ो, यहां ठाकुर जी को पीरो पटका और श्री जी की गुलाबी चुनरी भी एक दूसरे से मिल रही है। और इन सबन के बीच में उर्जे पड़े हैं श्री बिहारी दास जी। ऐसे उर्जे 3 दिन तक दांतुन करते रहे यमुना जी के तट पर बैठे बैठे। और 3 दिन तक वहां निधिवन राज में बिहारी जी के दर्शन ही नहीं हुए। क्यों? बिहारी दास जी सेवा करते थे और वो 3 दिन से वहीं यमुना पुलिन पर बैठे अब प्रकट वृंदावन का दर्शन कर रहे हैं। हमारे हरिदासी परंपरा के वैष्णवों का प्राण धन है ये पद। दातुन करते 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 और इस रूप का दर्शन, इस माधुरी, इस अद्भुत भाव का दर्शन, भाव साम्राज्य में प्रवेश कर गए। 3 दिन में अविरल रक्त धार मुख से बहने लगी, कपड़ों पर होते हुए वो धार बहती हुई यमुना जी में जाकर के मिल गई। कुछ वैष्णव यमुना में स्नान करने के लिए गए आगे घाटों पर, उन्होंने देखा कि यमुना जी में रक्त की धार कहां से आ रही है। उसके पीछे पीछे जाकर के देखा तो देखा बिहारी दास जी मुख में दांतों कर रहे हैं, नेत्रों से अश्रुधार, मुख से रक्त धार। कुछ हरिदासी परंपरा के वैष्णवों ने आकर के कान में कहा, कुंज बिहारी श्री हरिदास। जब स्वामी जी का नाम सुना तब चेतना आई, नेत्र खोल करके देखो, बोले अरे इतनो सवेरो है गो, अरे भैया मैं तो अभी स्नानू ना कियो, बिहारी जी के श्रृंगार भी ना किए। वैष्णवों ने रोका, बोले बिहारी दास जी आप कब बैठे थे यहाँ पे? बोले अभी अभी सवेरे भोर में आयो, दातुन कर रो, स्नान कर, अब जाऊं, अब मुझ क्षमा कर दियो, नहीं विलंब है। बोले विलंब 3 दिन हो गए आपको, आप 3 दिन से बैठे हो यहाँ पर, 3 दिन से बिहारी जी भूखे प्यासे शयन सैया पे लेटे हैं, उनके श्रृंगार ही नहीं हुआ, दर्शन ही नहीं हुआ, भोग भी नहीं लगा। तब बिहारी दास जी गए और बिहारी जी के चरणों में प्रणाम करके बोले, सेवा पूर्ण भई अब मेरी, अब मैं सेवा नहीं कर सकता, मैं समझ गया नाथ आप मुझे वो अप्रकट वृंदावन क्यों नहीं दिखा रहे थे, क्योंकि फिर मैं आपका नहीं रह पाऊंगा, आपकी सेवा में फिर मैं नहीं आ पाऊंगा, नाथ क्षमा करो, अब तो उस अप्रकट वृंदावन में ही रहना है। और श्री बिहारी दास जी उस अप्रकट वृंदावन में प्रवेश कर गए। बंधुओं, भक्ति की ठौर कहाँ है? हम सेवा कर रहे हैं, हम नाम जप कर रहे हैं, हम कथाएं सुन रहे हैं, हम तीर्थ यात्राएं कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, इन सब का अंत कहाँ है? हम ब्रजवासियों से पूछो तो वही अप्रकट वृंदावन, वो हमारी ठौर है। हमें लाल जी सदा ऐसे ही मिलते हैं सुबह। मैं कई बार लाल जी से प्रार्थना करके सोता हूं, रात्रि में शयन करा